अभिमन्यु को सात महारथियों ने न्यथा करके मिलकर के मार डाला। इसका यहाँ बेहद में क्या शूटिंग होता है? जो सात मारने वाले हैं वो विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? सब विधर्मी थे। और अभिमन्यु नाम ही है अभिमान करने वाला। मैं किसका पुत्र हूँ? जिसके रथ में स्वयं भगवान विराजमान होता है। क्या भगवान जिसके रथ में विराजमान होकर शिक्षा देता है, भगवान जिसका गुरु है, वो भगवान मुझे भी शस्त्र विद्या सिखाने वाला है। ये अभिमान था अभिमन्यु को। और अभिमान अच्छी बात होती है या खराब बात होती है? जब तक पढ़ाई पूरी न हो जाए तब तक अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। उसने गर्भ में पूरी पढ़ाई पढ़ी थी या अधूरी पढ़ाई पढ़ी थी? अधूरी पढ़ाई। अधूरी पढ़ाई पढ़ी। इसका मतलब भट्टी तो थी लेकिन अधूरी भट्टी की, भट्टी संपूर्ण नहीं हुई। पूरा ज्ञान नहीं लिया, अधूरा ज्ञान उठाया। ज्ञान की तरफ उतना विश्वास नहीं, सिर्फ योग अर्थात प्यार था भगवान के प्रति भी और बाप के प्रति भी। बाप माने प्रजापिता और भगवान माने निराकार से परम पिता परमात्मा। लेकिन इतने से काम पूरा नहीं होता है, ज्ञान भी पूरा उठाना पड़े और अपना अभिमान भी छोड़ना पड़े। इसलिए धोखा खा लेते हैं।